विपिन के पास चल रहे हैं आप, विपिन श्रीवास्तव। विपिन जरा बताइए कैसी वोटिंग हो रही है, विपिन लोगों से बात करिए। विपिन बिल्कुल मानक, देखिए बिल्कुल 9 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन 3 सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, विदिशा, गुना और राजगढ़। इस वक्त राजगढ़ में हूं, जहां से 33 साल बाद देखिए दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार 20 साल बाद ऐसा मौका है। लेकिन वोटिंग की अगर देखी जाए तो वोटिंग का परसेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वोटिंग में अगर बात करें कुछ लोगों, सीधी बात क्या कहेंगे दादा, ये बताइए कि जब वोट करने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा है दिमाग में, क्या चला क्या मुद्दा है सर, ये क्या आपको पता है, ये तो मुद्दा अंदर जाके पता चले, मुद्दा पूछ रहा हूँ, वोट किसको करेंगे, वोट ये तो मतदान करेंगे, जो उनका भाई बेटा आपको थोड़ी बता सकते हैं। हमारे यहाँ विकास तो बहुत सारा हुआ, अपन गलियों में कोई विकास नहीं हुआ है, पार्षदों ने भी काम नहीं करा, मोहल्ले में भी काम नहीं हुआ, बाकी नालियों का काम भी अधूरा पड़ा है, नल भी, नल का पानी भी कम मिलता है हम लोगों को। कुछ युवा वोटर है, क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ नहीं वोट देना है और क्या दिमाग में मुद्दा, जो सही इंसान उसे वोट देना है। सही कौन हो सकता है जो अच्छा काम करे, अच्छा काम करने वाला, कैसा काम हुआ, जो भी मतलब देश की तरक्की, जो भी हर चीज में भाग लेना, ऐसा क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब वोट विकास को उसमें देना चाहिए, बाकी रही बात बेरोजगारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए उनको, बेरोजगारी मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो, पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इस चीज में अगर वो मतलब पार्टी ऊपर अच्छी है, इंसान भी अच्छे हैं, बाकी बस इस चीज पे ज्यादा थोड़ा तारीखे रहेंगे। हाँ सही है साहब, बिल्कुल। क्या ये लूटा मारी बेईमानी सब खत्म होना चाहिए, कितनी चल रही है, महंगाई सस्ताई सब खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा क्यों, क्या विकास तो हो रहा है, पर क्या यही है कि यहाँ का काम नहीं हो रहा कुछ भी, यहाँ काम बहुत कम हो रहा है। नागर साहब, वो रोडमल जी, नागर जी खड़े हुए हैं और एक बार भी ब्यावरा में नहीं आए देखने के, क्या है अपनी जनता का हाल। ठीक है, मानस मानक कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्या कहेंगे माता जी वोट डालने जा रही हैं। कुछ काम वाम ठीक हुए हैं? सब काम ठीक हुए। कोई मुद्दा है? हाँ, सड़क बिजली पानी भी? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे चल रही है। तो अच्छा ठीक है। कुछ महिलाएं, क्या लाडली बहना? यस बहना। क्या क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है, मुद्दा है, सब ठीक चल रहा है? जी है? जी ठीक है। मोदी जी, राहुल गांधी? नहीं मोदी जी। अच्छा अम्मा जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कौन बढ़िया, मोदी राहुल? सब बढ़िया ही है मैं तो। अच्छा देखिए यहाँ पर माना बहुत सारे लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा? बीजेपी मुद्दा? मुद्दा मुद्दा क्या है, बढ़िया तो काम हो रहा है, विकास, बेरोजगारी, अच्छा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, और क्यों नहीं हो रहा है विकास, पहले मुरब में बहुत अंतर है। अच्छा हाँ ठीक है। क्या दादा, विकास चाहिए? चाहिए हाँ, और क्या, विकास होना चाहिए। अभी कैसी स्थिति? अभी भी ठीक है, मगर आगे बढ़ना चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, लिखे पढ़ो को नौकरी मिलना चाहिए। राजा महाराजा वाली जगह खड़े हैं? नहीं, राजा महाराजा क्या करेंगे, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, है? ठीक है, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं ना। क्यों, पहली बार वोट डाल रहे हैं? अच्छा पहली बार डाल रहे हैं? जी जी। तो डर लग रहा है? अरे कुछ नहीं सर यार। ठीक है, देखिए माना कि यहाँ पर बड़ा ही यहाँ पर हमने देखा अभी तक की सीट पर इस बार टक्कर देखने को मिल रही है। आपके पास सब प्रशांत गुप्ता के पास चलेंगे, यानी 33 साल। और फिर से आपको बता दें जरा, सुबह की जो 2 घंटे की वोटिंग के हमारे पास आंकड़े आए हैं उनमें बंगाल में तो अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन बाकी जगह ढीला मतदान। अब 11 बजे तक का ये जो ये कहां कहां चुनाव हो रहा है ये भी दिखा रहे हैं आपको। 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर में आएगा, वो भी आपको देंगे जैसे ही मिलेगा। फिलहाल